पलामू जिले के पांकी में जो हिंसा भड़की उसमें ज्यादातर 18 वर्ष से 20 वर्ष के युवा शामिल हैं। अब तक इस मामले में 19 से 20 साल के 18 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पलामू के उपायुक्त आंजने युल्लू दोड्डे ने इस घटना पर बेहद दुख जताते हुए समाज को सजग होकर बच्चों में संस्कार देने की अपील की। सोशल मीडिया के सहारे हिंसा भड़काने वाले लोगों का शिकार बन रहे बच्चों को सही गलत में फर्क बताने और धर्म के असल मायने समझाने की अपील की। कम उम्र के युवाओं को गुमराह कर उन्हें गलत दिशा में धकेल रहे लोगों से दूर रखने का भी उन्होंने सुझाव दिया। अभी जैसे माता सर ने बताया, एसपी साहब ने बताया, 18 बच्चे जेल गया, 20 साल का लड़का था, 19 साल का लड़का था, दोनों समुदाय से गया, उनका जीवन तो बर्बाद हो गया। तो ये आप घर में क्यों नहीं सिखाता है? जो चिल्ला रहा है ना यहाँ जो है कि हम जो है ये है वो है, आप घर में बच्चों को क्यों नहीं सिखाए? आप सिखाते, आप क्या सिखाते हैं? नहीं सिखाते, बच्चे जानते। और हमको अभी भी ये बहुत ही तकलीफ होता है कि हम जब 18 साल 19 साल में रहते थे, हमारा मास्टर जी को बहुत इज्जत करते, आज का बच्चे कोई मास्टर का सुनता नहीं। आखिर सोसाइटी, हमारा समाज ऐसा क्यों हुआ? आप ही को सोचना पड़ेगा। ये जो छोटा छोटा बच्चा 14-15 साल 19 साल का बच्चे लोग, ये जो ने इंटरनेट बंद किया, इतना हल्ला क्यों कर रहा है? हम लोग जिंदगी नहीं जी सकता बिना इंटरनेट का, हम लोग नहीं जिए थे बिना फोन का, ये सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप में। ये बच्चे ज्यादा उस मोबाइल को, ये व्हाट्सएप को, फेसबुक को बहुत ज्यादा इनको आदत हो गए, और उसमें जो जो मैसेज आते रहता है, जो भड़काने लोग हैं उसी में मैसेज देते रहते हैं। जब माँ बाप जो है उनको नहीं सिखाता संस्कार क्या है, हमारा धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, धर्म का मेन प्रिंसिपल क्या है, जब हम लोग नहीं सिखाते हैं उनको, कौन सिखाता है? जो लोग इस समाज को डिवाइड करना चाहता है, जो लोग इस समाज से वोट लेना चाहता है, वो अपना सोशल मीडिया के माध्यम से बताते हैं, देखो वहां यदि तोरणदार गाड़ेंगे तो हमारा धर्म को नुकसान होगा, नहीं गाड़ेंगे तो हमारा धर्म का नुकसान होगा। ये बच्चों को बताता है फेसबुक और व्हाट्सएप में। तब चार बच्चे आता है गाड़ने के लिए और चार बच्चे जाता है मारने के लिए। क्यों? उनको लगता है कि हमारा धर्म को बहुत नुकसान होने वाला है, इससे डायरेक्शन में जा रहा है। यदि आज अब ये नहीं रुकेंगे, ये होते रहेंगे पांकी, ऐसा घटना पूरा देश में होते रहेंगे, पूरा जिला में होते रहेंगे। जाके सोचिए आखिर क्यों हम लोग ऐसा, क्योंकि हम बच्चों को संस्कार सिखाना बंद कर लिया। आज का दिन में संस्कार कौन सिखा रहा है? फेसबुक और व्हाट्सएप सिखा रहा है, हम लोग नहीं सिखा रहा बच्चों को, हमारे पास टाइम ही नहीं है। और हम लोग भी उसी आइडिया से हम लोग भी प्रभावित होते, हाँ सही में, अरे झंडा नहीं गाड़ने दे रहा तो हमारा धर्म को तो नुकसान हुआ, आज बारात नहीं निकाला शिव भारत, हमारा धर्म को नुकसान हुआ। कौन बोला है आपको? धर्म क्या चीज है कभी सोचे आप? जुलूस नहीं निकाला तो धर्म को नुकसान हो गया? धर्म और रिलीजन जो है बहुत ही प्राइवेट चीज,